अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज मैं आपको अपने ससुराल की फेवरेट रेसिपी सिखाती हूँ, जो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, अरहर की दाल और चावल। थोड़ा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया था, मैंने लाइट चली गई थी हमारी थी, तो अरहर की दाल सिर्फ बस धोकर और बस इसमें पानी में डालिए और इसमें बॉयल आ गया है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये थोड़े से झाग उतार लेंगे, ये झाग मैंने ऊपर से उतार दी। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच भर के ये हल्दी का डाल रही हूँ और एक चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ये देखिए, और एक चम्मच फुल भर के मैं मिर्चों का डाल रही हूँ, ये देखिए, और थोड़ी सी और डाल देती हूँ क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी बहुत खाते हैं, तो इसलिए। चलिए, और बस अब इसको मैं ढक्कन बंद करके गलने तक पकाऊंगी, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये देखिए दाल तैयार हो गई हमारी, कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है, और ये इतने लहसुन है, अभी मैं आपसे काट के मिलती हूँ। तेल डाल रही हूँ मैं, अच्छा खासा थोड़ा तेल डालेंगे और उसके बाद इसमें लहसुन डाल देंगे कटे हुए, जैसे ही ब्राउन होंगे तो वैसे ही। और मैं बताना भूल गई थी कि जब दाल तैयार हो रही थी उसके दरमियान में ना मैंने उसमें थोड़ी सी इमली डाल दी थी। वैसे तो हमारे घर में गर्मियों में कच्ची आम भी डाली जाती है खूब सारी, तो हमारे बच्चों को पसंद है, तो इसलिए थोड़ा खट्टा दे, तो इसलिए थोड़ा खट्टा करने के लिए मैंने इमली डाली थी घोल के, वो मुझसे थोड़ा मिस हो गया था क्योंकि मेरी छोटी बेटी बनाती है ना, उसकी 14 साल है, छोटी सी है वो, तो अगर कोई चीज़ की भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ। और ना रेसिपी पूरी मुकम्मल ही होती है, इतनी मेहनत में करती हूँ, मगर कोई कोई चीज़ अगर रह गई है तो उसके लिए, या आपको थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह में थोड़ा वो होता है, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब ये देखिए थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दाल में भगार डाल देंगे, भगार लग गया। चलिए देखिए, आइए ये फाइनल लुक देखें, दाल इतनी मज़े की बनी है। आज तो मेरे बच्चों की ईद हो गई, जिस दिन ये दाल बनती है ना बच्चों की ईद हो जाती है, और आप भी बनाएंगी अपने शौहर को, अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको खिलाएंगी तो उनको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। और आप, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, कल मिलेंगे नई वीडियो में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।